फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने यूनिट ऑफ लेंथ पढ़ी थी, मतलब लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, है ना? तो हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब आप लेंथ को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई लेंथ में आपको कोई नंबर ही की हुई है तो आप उसे कैसे ऐड करेंगे? आपने मेजर तो कर लिया, लेकिन अगर आपको उसको ऐड करना है तो आप ऐड कैसे करेंगे, ठीक है? वो आज हम सीखेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 25 and 32, ये है सेंटीमीटर एंड ये भी सेंटीमीटर एंड ये भी सेंटीमीटर। तो हम किसमें ऐड करेंगे? सेंटीमीटर्स में हम इन्हें ऐड करेंगे, ओके? तो देखो, ये सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर क्या है? लेंथ है। 32 सेंटीमीटर क्या है? लेंथ है। अब इसे हमें ऐड करना है और बताना है कि टोटल लेंथ हमारी कितनी होगी, ओके? तो जैसे आप एडिशन करते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही एडिशन करना है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। बच्चों देखो, सेंटीमीटर यहाँ पीछे लगा हुआ है तो हमें इसमें भी बस वैसे ही लगा देना है, ओके? देखो, हम एडिशन कैसे करते हैं? हम एडिशन पहले वंस वाले कॉलम का करते हैं, देन टेंस वाले कॉलम का करते हैं। हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ना एडिशन, तो 5 एंड 2 को हम पहले ऐड करेंगे, देन हम 2 एंड 3 को ऐड करेंगे। तो 5 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? देखो, 5 और 2 को आप कैसे ऐड करेंगे? या तो आप टिप्स पे ऐड कीजिए या फिर आप लाइंस ड्रॉ करके ऐड कीजिए, बट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस एडिशन के किए हैं तो अब आपको एडिशन काफी अच्छे से आ गया होगा, तो आप सभी एडिशन अब कर सकते हैं। तो 5 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 7, ओके? एंड फिर अब क्या करेंगे हम? अब हम टेंस वाला कॉलम करेंगे। ये हमारा वंस वाला कॉलम एंड ये टेंस वाला कॉलम था, ठीक है? तो 2 एंड 3 को अब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो आंसर कितना आया हमारा? 57 सेंटीमीटर, ओके? तो हमारी दो लेंथ दी हुई थी, 25 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया? इनको ऐड कर लिया, 5 और 2 को ऐड कर दिया 7, 2 एंड 3 को ऐड कर दिया, तो 57 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, ये है 72 सेंटीमीटर एंड यहां है हमारा 26 सेंटीमीटर। तो अब आपको इसे ऐड करना है कि क्या आएगा हमारा, ओके? तो क्या आएगा बच्चों? देखो, कैसे ऐड करोगे आप? जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐड करा है, वैसे ही आपको ये भी सेकंड भी ऐड करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? 72 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो नॉर्मल जैसे आप एडिशन करते हैं वैसे ही इसमें एडिशन कीजिए। वंस वाला कॉलम पहले ऐड करेंगे, तो देखो 2 में आप 6 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8। देन अब हम टेंस वाला कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है? तो 7 एंड 2 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो आंसर आ गया 98, ओके? तो 98 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब है हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? तो ये जो हमने दोनों क्वेश्चन किए, ये कैसे थे हमारे? ये थे विदाउट रीग्रुपिंग वाले। अब ये दो क्वेश्चन मैं आपको रीग्रुपिंग वाले बताऊंगी। तो रीग्रुपिंग वाले अगर आपको क्वेश्चन करने का, आप कैसे करेंगे? देखो, 56 एंड 55 एंड 46, 55 सेंटीमीटर एंड 46 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। तो कैसे आप ऐड करेंगे? देखो, 5 एंड 6 को अगर आप ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा। 5 एंड 6 को अगर आपने ऐड किया, हमारा वंस वाला कॉलम कौन सा हुआ? 5 और 6 वाला, ये वाला कॉलम जो राइट साइड में है, ये फर्स्ट कॉलम हुआ। तो इसे आप 10 वंस वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो 5 और 6 हमारा होता है 11। तो 11 का 1 हम यहां लिखेंगे एंड 1/8 हमारा यहां कैरी हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद आप ये वाला कॉलम ऐड करेंगे तो 1 एंड 5 कितना हो जाएगा आपका बच्चों? 1 एंड 5 हो गया 6, 6 एंड 4 हो गया आपका 10, तो 101 सेंटीमीटर।
ओके कितना आया हमारा ये 101 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट अब है हमारा यहाँ पे देखो सेंटीमीटर। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें इन्हें ऐड करना है, 64 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर को आप ऐड करेंगे तो बिल्कुल वही आपको 1 वाला कॉलम पहले ऐड करना है, देन आपको 10 वाला ऐड करना है। तो 4 एंड 8 को आप ऐड करेंगे तो कितना आता है 12। तो 12 का 2 हम यहां लिखेंगे एंड 1 यहां हमारा कैरी हो जाएगा। देन अब जो 10 वाला कॉलम है वो हम ऐड करेंगे तो 1 एंड 6 कितना हो गया 7, 7 एंड 2 हो गया हमारा 9। तो हमने यहां लिख दिया 92। तो कितना आंसर आ गया 92 सेंटीमीटर्स। ओके तो देखो 64 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर्स, तो 92 सेंटीमीटर्स इनको ऐड करने में हमारा आंसर आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको सेंटीमीटर्स में ऐसे ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल एडिशन आप करेंगे एंड पीछे आप सेंटीमीटर लगा देंगे। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ लेंथ्स, ओके एडिशन ऑफ लेंथ, ठीक है बच्चों। तो आप आपकी बुक के स्टाइल के जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके okay?